व्यापारिक की इब्तदा सूरह अंबिया से हो रही है। पहली आयत में बयान किया गया कि इंसान जो कुछ दुनिया में अच्छे बुरे आमाल करता है उसके तमाम करतूतों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है। हर घड़ी जो गुजर रही है इंसान को दुनिया से दूर और आखिरत से करीब कर रही है। जहां उसे अपने तमाम करतूतों का हिसाब देना है, लेकिन इंसान है कि दुनिया की जीनतों में गुम है और ख्वाब गफलत के मजे ले रहा है। कयामत तो आने वाली है ही, इंसान को मौत आ गई तो उसकी कयामत तो वहीं से शुरू होगी। गोया मौत बजाय खुद एक कयामत से कम नहीं। अल्लाह ने फरमाया इक्तारबा लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिम मोरिजून। जैसे जैसे घड़ियां गुजर रही हैं इंसान दुनिया से दूर और आखिरत से करीब होता जा रहा है, जहां उसे अपने अमलों का हिसाब किताब देना है। हिसाब से गाफिल वो दुनिया की जीनतों में गुम है और इस गफलत की वजह बताई गई। इंसान गाफिल क्यों है? एक होता है तबई गाफिल होना, तबई गफलत, और एक गफलत होती है इरादी। तो जो इंसानों की ये जो गफलत है वो इरादी है, इस वजह से के गफलत के बाद मोरिजून लाया गया है, जिससे यह पता चलता है कि इनकी यह गफलत तबड़ी और इस्तेरारी नहीं है, बल्कि इनकी यह गफलत बिल्कुल इरादी है। अब उस आदमी से ज्यादा बदनसीब कौन हो सकता है कि इम्तिहान करीब आ रहा हो और आदमी किताबों को खोल कर ना देखता हो। जाहिर है कि उसे अपने इम्तिहान में फेली होना है। तो इंसान को चाहिए कि इम्तिहान का वक्त करीब आने से पहले पूरी तैयारी कर ले, ताकि इम्तिहान गाह में उसे किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। पूरे साल जिस तालिबे इल्म ने किताब ही ना देखी हो, इम्तिहान गाह में उसकी परेशानी हर कोई आदमी देख सकता है। वही हालत उस इंसान की होने वाली है जो यहां गफलत में पड़ा हुआ है, और कयामत के दिन वो ये देखेगा कि मेरी गफलत का क्या अंजाम होने वाला है और मेरी गफलत का हश्र क्या होने वाला है। उसके बाद एक और अजीब हकीकत बयान की गई, मा यातीहिम मिन ज़िक्रिम मिन रब्बिहिम मुहदथिन इल्ला इस्तमऊहू वहुम यलअबून। कोई भी बात कुरान की या हदीस की बयान की जाए, सुनते तो हैं मगर सुनते वक्त कानों में बात तो जाती है मगर कानों में से गुजरकर दिल की गहराइयों में नहीं उतरती। फरमाया गया इल्लस्तमाउ वहुम यलअबून, वो इसको खेल समझ रहे हैं, और खेल समझ करके वो लोग न किताबुल्लाह की बात पर न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर कोई ध्यान देते। एक है सुनना, एक है दिल की गहराइयों में उतारना और उस पर तदब्बुर गौर व फिक्र करना। तो ये नसीहत सुन तो लेते हैं मगर खेल की हालत में सुनते हैं, और आदमी जब खेल की हालत में कोई बात सुने तो उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता। मसलन एक आदमी खेल देख रहा हो
और उसका बाप कोई नसीहत कर रहा हो, तो जब तक खेल से अपनी नजर नहीं हटाएगा, बाप की बात पर, बाप की नसीहत पर क्या ध्यान देगा? तो जो आदमी लहवो लईब में, खेल में मशगूल है, वो आदमी किताब व सुन्नत की बात को सुन करके, उसको दिल की गहराइयों में कैसे उतार करके उस पर गौर व तदब्बुर करेगा और उस पर अमल करेगा। यही हाल आज तमाम मुसलमानों का है। कुरान सुनते हैं, हदीस सुनते हैं, मगर इस कान से सुनते हैं, इस कान से उड़ा देते हैं। और बताया गया लाहियतन कुलूबहुम, इनके दिल गाफिल हैं। अब दिल ही गाफिल हो तो गाफिल दिल किसी बात को सीरियसली कैसे ले सकता है? एक खिलंडरा लड़का किसी बात को सीरियसली कैसे ले सकता है? बात को सीरियसली लेने के लिए बच्चे का सीरियस होना जरूरी है, और ये तो खिलंडरा बच्चा है। लाहियतन कुलूबहुम, जैसे बच्चा खिलंडरा होता है तो किसी बात को सीरियसली नहीं लेता, ऐसे ही दिल गाफिल हूं, लाहियतन कुलूबहुम, उनके दिल अगर गाफिल हूं, दिल उस खिलंडरे बच्चे की तरह हो जाए तो नसीहत क्या सुनेगा, उसके ऊपर क्या अमल करेगा? कैसी बातें करता है कुरान हकीम। साइकोलॉजी देखना हो साइकोलॉजी देख लो, फलसफा देखना हो फलसफा देख लो, किस तरीके की बात करता है। और उसके बाद यह फरमाया गया कि जितने भी अंबिया आए सब ह्यूमन थे, कोई भी सुपर ह्यूमन नहीं था, इसलिए कि लोगों को यह एतराज होता था कि एक इंसान नबी कैसे हो सकता है। पहले यह एतराज होता था कि इंसान बशर नबी कैसे हो सकता है, और आज यह कहा जाता है कि नबी बशर कैसे हो सकता है। पहले लोगों को यह एतराज था कि एक इंसान, एक बशर नबी कैसे हो सकता है। मा नराका इल्ला बशरम मिसलना, हम तो तुमको एक अपनी तरह का इंसान देखते हैं। तो पहले लोगों का एतराज यह था कि यह इंसान है, इस वजह से नबी नहीं हो सकता, और अब के लोगों का एतराज है कि यह नबी है, इंसान नहीं हो सकता। तो अब उसमें ताबीलें होती हैं, वो नूर के बने हुए हैं तो ऐसा है तो वैसा है, और जब कुछ नहीं बन पड़ता तो दोनों को मिला देते हैं, नूरी बशर, नूरी बशर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जितने अंबिया किराम आए सब के सब ह्यूमन थे, कोई भी सुपर ह्यूमन नहीं था, कोई भी फौकल बशर नहीं था, सारे के सारे बशर ही थे। और अगर यकीन ना आता हो तो अहले जिक्र से पूछ लो। फरमाया गया फसअलू अहले जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है तो अहले जिक्र से पूछ लो। अहले जिक्र से मुराद यहां अहले किताब हैं, तौरात और इंजील वाले। इस आयते करीमा से तकलीद को कशीद करने की कोशिश की गई है कि अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो किसी इमाम के मुकल्लिद बन जाओ। इस आयते करीमा से तकलीद पर इस्तिदलाल दर हकीकत इस आयते करीमा में थरीफ है, इसलिए कि तकलीद नाम है किसी मुअय्यन शख्स की इत्तेबा या उसकी तरफ मंसूब फिक्र को वही इलाही समझ करके मान लेना। किसी मुअय्यन शख्स की इत्तेबा और उसकी तरफ मंसूब फिक्र को वही इलाही समझ करके मान लेना, ये तकलीद है। अब बताइए तकलीद एक मुअय्यन शख्स की होती है, और यहां आयत करीमा में कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें किसी बात का इल्म ना हो तो तुम किसी भी जानने वाले से पूछ लो। यहां बात उमूमी तौर पर कही गई है कि इल्म ना हो तो किसी भी आलिम से पूछ लो, यहां किसी मुअय्यन आलिम की बात नहीं कही गई है कि फला मुअय्यन आलिम ही की बात को मानना। तो इस आयत करीमा से तकलीद पर इस्तिदलाल कैसे किया जा सकता है? और दूसरी बात यह, यहां कहा गया है कि अहले किताब के उलमा से मालूम करो। जाहिर है कि अहले किताब के उलमा का जो हवाला दिया गया है
कि वो इंजील से दलील दें, तौरात से दलील दें। तो ऐसे ही अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो उलमा से पूछो और किताब और सुन्नत की दलील उनसे मांगो। इस आयत करीमा से तकलीद का इस बात नहीं बल्कि तकलीद की नफी होती है। तो अगर तुम्हें यकीन नहीं है मेरी बातों पर कि नबी इंसान ही होता है तो अहले जिक्र से पूछ लो, ये बताएंगे कि जितने भी अंबिया इकराम दुनिया में है सारे के सारे ह्यूमन थे, कोई भी सुपर ह्यूमन नहीं था। और फिर उसके बाद अंबिया इकराम के बशर होने की दलील दी जा रही है, वमा जअलनाहुम जसदल ला याकुलून अत्ताम वमा कानू खालिदीन, कि जितने भी बदन दुनिया में है किसी बदन को हमने ऐसा नहीं बनाया कि वो खाना ना खाता हो। दुनिया में जितने भी इंसान हैं जिनके पास बदन है वो सारे के सारे बदन खाने के मोहताज हैं, और हमने उनमें से किसी को हयाते अबदी नहीं दी। सारे के सारे पैदा होते हैं, खाते हैं, पीते हैं और एक दिन उन्हें मौत आ जाती है। तो ये पैदा होना, खाना पीना और मर जाना, दर हकीकत ये बशरियत की दलील है, ये बशरियत के औसाफ है, ये औसाफ बशर है। और इसी से ये नुक्ता भी मालूम हुआ कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उन्होंने भी खाना खाया, पानी पिया, एक दिन उनको भी मौत आ गई। जिन लोगों का यह अकीदा है कि अब भी हजरत खिजर जिंदा है, यह अकीदा नस शरी के खिलाफ है, नस शरी से साबित नहीं है। और भटके हुए लोगों को जंगल के अंदर वो रास्ता बताते हैं, इसके ऊपर भी कोई नस शरी मौजूद नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत की बहुत प्यारी दलील दी है पूरे कुरान हकीम में, अल्लाह की तौहीद के ऊपर इससे शानदार दलील और कोई नहीं है। दरहकीकत मुतकल्लिमीन ने इस दलील को बुरहान तमानो कहा है, दलील तमानो कहा है। देखिए दलील कैसी दी गई, लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर इस कायनात में एक माबूद के अलावा, एक इलाह के अलावा बहुत सारे आलिहा होते, एक माबूद के अलावा बहुत सारे माबूद होते तो कायनात का निजाम, जमीन और आसमान का निजाम दरहम बरहम हो जाता। लेकिन हम ये देखते हैं कि निजामे जहां, निजामे कायनात फासिद नहीं है, लिहाजा साबित ये होता है कि इस कायनात का माबूद एक ही है। मसलन जब से ये कायनात बनी है, सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में डूबता है, मौसमों को तगैयरात वैसे ही है, जाड़ा गर्मी बरसात, मौसम बहार, मौसमों को तगैयरात वैसे ही, हवाओं का चलना वैसे ही, गर्मी का आना वैसे ही, बरसात का आना वैसे ही, सूरज का मशरिक से निकलकर मगरिब में डूबना वैसे ही, चांद का निकलना वैसे ही, सितारों का निकलना वैसे ही, कभी उनमें अक्सरे मुंह फर्क नहीं आया। ये यकसानियत की, ये यकसानियत कायनात की दलील है इस बात पर कि इस कायनात के पीछे जो हस्ती है वो वाहिद है और इस कायनात में मुतसर्रिफ और मुदब्बिर एक ही है। और बिल्कुल सादा दलील है, मसलन एक मुल्क में दो बादशाह एक ही इख्तियार के नहीं रह सकते। अरे मुल्क तो छोड़ो, एक स्कूल में दो हेडमास्टर अगर इक्वल इख्तियारात के, मुसावी इख्तियारात के रख दिए जाए तो उनमें खामोश जंग छिड़ जाएगी और नतीजा स्कूल की तबाही होगी, स्कूल की तबाही पर मुंतज होगा यह मामला। जब एक मुल्क में दो बादशाह नहीं हो सकते, एक स्कूल में दो हेडमास्टर नहीं हो सकते, इसलिए कि अगर दो बादशाह फर्ज कर लिए जाए, मान लिए जाए, तो मुल्क का निजाम खराब हो जाएगा, मुल्क का निजाम खराब हो जाएगा। एक स्कूल में दो हेडमास्टर एक ही इख्तियार के मान लिए जाए तो स्कूल का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। इसी तरह अगर कायनात के अंदर एक इलाह के अलावा
कई इलाह मान लिए जाए तो कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा, और कायनात का निजाम दरहम बरहम नहीं है। साबित यह हुआ कि इस कायनात के पीछे सिर्फ एक ही मुदब्बिर हस्ती है, अल्लाह तबारक व तआला, हम जिसको कहते हैं। ये अल्लाह के वजूद पर और उसकी वहदानियत पर इंतहाई सादा और बहुत ही प्यारी दलील है। मुतकल्लिमीन ने इसको बुरहान तमानो कहा है। हम लोग हमारी किताब जो चलती थी मकतब में, हम लोग पढ़ते थे, अगर दो खुदा होते संसार में तो दोनों बला होते संसार में। इधर एक कहता कि मेरी सुनो, उधर एक कहता मियां चुप रहो। बिगड़ कर छड़ी मारता ही खुदा तो फिर दूसरा उस पर चढ़ दौड़ता। इस तरह दोनों में आपस में जंग होती रहती और कायनात का निजाम बिखर जाता। ये कायनात की इकसानियत इस बात की दलील है कि इस कायनात के पीछे सिर्फ एक ही हस्ती का तसर्रुफ है, एक ही हस्ती है। ये अल्लाह की वहदानियत पर बहुत ही प्यारी दलील है। दलील सादा भी है और इंतहाई दिलनशीन भी। इसी वजह से मुतकल्लिमीन इसको बुरहाने तमानों का है। उसके बाद ये फरमाया, कुछ जमीन के माबूद लोग मानते हैं, गऊ माता, फला कोई दरिया है वो माता हो गई, धरती माता, और इसी तरह लोग मां बाप को कहते हैं कि भाई भगवान को मानो, ऐसा लोग बोलते हैं। तो कहते हैं भगवान, मेरे मां बाप ही भगवान है, मेरे मां बाप ही भगवान है। बताइए, मां बाप को भगवान माना जा सकता है? कतई नहीं। कहते हैं मेरी मां ही मेरा मंदिर है, मेरी मां ही मेरा भगवान है, मेरा बाप ही मेरा भगवान है। जरा सोचिए कि एक इंस्पेक्टर को अगर कॉन्स्टेबल कहकर बुलाया जाए, इंस्पेक्टर क्या करेगा आपका? जब एक मां को बहन नहीं कहा जा सकता, एक बहन को मां नहीं कहा जा सकता, इंस्पेक्टर को कॉन्स्टेबल नहीं कहा जा सकता। पता ये चला, जो जिस दर्जे का है उसी दर्जे में उसको उतारो, जो जिस पोस्ट का है उसको उसी पोस्ट से पुकारो। नहीं तो आप एक बहुत बड़े जुर्म के मुर्तकिब होंगे। अब बताइए, मां बाप खाना खाते हैं, अल्लाह खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता। मां बाप पैदा होते हैं, अल्लाह पैदा नहीं होता। मां बाप मर जाते हैं, अल्लाह को मौत नहीं आती। बताइए, मां बाप को भगवान कैसे कहा जा सकता है? तो ये गौ माता, ये गंगा माता, ये फिर धरती माता, और फिर इसी तरीके से मां को और बाप को भगवान मानना। कुरान हकीम ने कहा कि इत्तखदू आलिहतम मिनल अर्द हुम युनशिरून, कि ये जमीन के माबूद इन लोगों ने बना रखे हैं, ये जमीन के माबूद हैं। और अल्लाह कहा है, अर रहमान अलल अर्श इस्तवा। अगर ये माबूद हैं तो जरा मुर्दे को जिंदा करके बताएं, बताइए, खाने से बेनियाज होकर के बताएं, पीने से बेनियाज होकर के बताएं। ये ना अपनी मर्जी से पैदा होते हैं, ना अपनी मर्जी से मरते हैं। इसका मतलब ये कि इनकी बागडोर किसी और के हाथ में है। कोई पैदा करता है, कोई मारता है, इनको ना अपनी पैदाइश पर इख्तियार है, ना अपनी मौत पर इख्तियार है। ये खाने के मोहताज, ये मरने के लायक। तो ये सब भगवान कैसे हो सकते हैं? तो ये सब कुछ बद अकलों ने जमीन के माबूद बना लिया। इत्तखदू आलिहतम मिनल अर्ज हुम युनशिरून, इन्होंने जमीन के माबूद बना लिए हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया कि तौहीद दीन इस्लाम में वही हैसियत रखती है जैसे पूरे बदन में सर की हैसियत होती है। यही वजह है कि जितने अंबिया किराम दुनिया में आए, उन्होंने अपने उम्मतियों के सामने सबसे पहले दरस तौहीद ही रखा। देखिए ये आयत करीमा, वमा अरसलना मिन कब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। ऐ हमारे हबीब, हमने आपसे पहले जितने नबी दुनिया में भेजे, सबों ने अपनी अपनी उम्मतों के सामने जो पहला दरस रखा वो यही दरस तौहीद था कि मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, सिर्फ मेरी इबादत करो। ये इसी पारे की आयत है और इसी सूरे की है, सूरे अंबिया की आयत है। लोग किसी को भी माबूद बोल देते, अल्लाह ने फरमाया किसी को माबूद बोल देने का मतलब समझते हो? वमन यकुल मिनहुम इन्नी इलाहुम मिन दूनी फदालिका नजज़ी जहन्नम। अरे आम लोगों को तो छोड़ो, कोई फरिश्ता अगर ये कहे कि मैं खुदा हूं, कोई फरिश्ता ये कहे कि मैं माबूद हूं, तो उसको उठाकर जहन्नम में फेंक दूंगा। उमय यकुल मिनहुम इन्नी इलाहुम मिन दूनी फदालिका नजज़ी जहन्नम। अगर कोई फरिश्ता भी ये दावा करे, कोई फरिश्ता ये कह दे कि मैं इलाह हूं,
मैं माबूद हूं, मैं अल्लाह हूं, तो उसको उठा करके जहन्नम में डाल दूंगा। जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी उलूहियत के बारे में इस तरीके की बात कही है कि मेरे अलावा कोई इलाह नहीं, फरिश्ता भी अगर कहते मैं इलाह हूं तो उसको उठाकर जहन्नम में डाल दूंगा, ज्यादा साबित ही हुआ कि इलाह सिर्फ एक ही है और वो अल्लाह है। उसके बाद कहा गया ये कायनात जो बनी है पहले एक गैसियस मैस की शक्ल में थी, मैस एक मजमुआ थी गैस का, और उसके बाद एक धमाके के साथ जिसको कहते बिग बैंग, एक बिग बैंग थ्योरी कुरान एक ही में मौजूद है, एक धमाके के साथ दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और उसके बाद एक से आसमान एक से जमीन बना। अवलम यर अल्लजीन कफरू अन السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما, क्या ये काफिर नहीं देखते कि हाँ जमीन और आसमान दोनों आपस में मिले हुए थे, كانتا رتقا رتق منظم الاجزاء, उनके अज्ज़ा आपस में एक दूसरे से मिले हुए थे, كانتا رتق رتقا رتق منظم الاجزاء, उसके अज्ज़ा एक दूसरे से मिले हुए थे कायनात के, ففتقناهما, हमने एक धमाके से इन दोनों को अलग कर दिया। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया ये जमीन हमने बनाई, जानते हो ये जमीन पर कैसे रह रहे हो, हमारा एहसान है, हमने इन पहाड़ों को जिनको तुम देखते हो इन जमीन की बैलेंसिंग के लिए मैंने जमीन के ऊपर रख रखा है, नहीं तो जमीन तुम्हें लेकर ठलक जाती। वजालना फिल अर्द रवासियन तमीद बिहिम, हमने जमीन के ऊपर जो पहाड़ बनाए हैं, पहाड़ जो देखते हो दरहकीकत ये हमारी कुदरत की बहुत बड़ी निशानी है, वरना ये पहाड़ ना होते तो जमीन तुमको लेकर ढलक जाती। जैसे कोई चीज अपने मरकज के इर्द गिर्द घूम रही हो, कोई चीज अपने मरकज के इर्द गिर्द घूम रही हो और उसकी बैलेंसिंग में जर्रा बराबर फर्क आ जाए तो मरकज गुरेज कुवत, फिजिक्स पढ़ने वाला तालिबे इल्म जानता है, नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपना मोसिर किरदार अदा करती है और वो चीज लरसने लगती है। मिसाल के तौर पर ये पंखा है, ये अपने मरकज के इर्द गिर्द घूम रहा है, अगर इसके एक ब्लेड के अंदर डिसबैलेंसिंग आ जाए तो पंखा लर्जिश करने लगेगा। क्यों? इस वजह से कि उसके एक पंखे के अंदर थोड़ी सी खराबी आ गई तो मरकज गुरेज कुवत उसके अंदर मौसिर किरदार अदा करके उसको लरजने पर मजबूर कर देती है। ऐसे ही जमीन को जब हमने पानी पर लाकर रखा, बिछाया, तो ये कांपने लगी और ये अपने मरकज के ऊपर घूम रही है। 1,07,000 किलोमीटर घंटा ये घूम रही है, जाहिर है ये बिल्कुल इसी पंखे की तरह, जाहिर है कि अगर जर्रा बराबर डिसबैलेंस हो जाए तो ये लरजने लगेगी। जैसे पंखे के एक ब्लेड के अंदर थोड़ी सी डिसबैलेंसिंग आ जाए तो पूरा पंखा लरजने लगेगा और नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मरकज गुरेज कुवत फौरन अपना मौसिर किरदार अदा कर देगी और चीज लरजने लगेगी। तो हमने इस जमीन को पानी के ऊपर बिछाया, बिछाने के बाद इसकी बैलेंसिंग के लिए हमने पहाड़ों को इसके ऊपर ला खड़ा किया ताकि ये तुम्हें लेकर ढलक न जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, कैसी बात करता है कुरान हकीम, कैसी बात करता है। आगे चल करके अल्लाह तबारक तआला ने एक और अजीब बात फरमाई है, यही बता देता हूं कि या अय्युहन नास तक़ू रब्बकुम मिन ज़लज़लतिस सा'ति शय्उन अज़ीम, एक जलजला आने वाला है और जलजला जब आएगा तो यह बहुत बड़ी चीज होगी, पूरी कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। देखो ये जमीन है हमारी, इत्तेफाक से अगर कोई बड़ा शहाब साकिब गिर जाए और जमीन का बैलेंस मुतासिर हो जाए तो जमीन का निजाम दरहम बरहम होने वाला ही है। जानते हैं जमीन का वजन कितना है? अच्छा, किसी चीज की शिद्दत, रफ्तार की शिद्दत को, या अगर किसी चीज की शिद्दत को मालूम करना हो, टकराव की शिद्दत को या तसादुम की शिद्दत को, तो फिजिक्स पढ़ने वाले तालिबे इल्म जानते हैं कि उसमें दो चीजें होती है, वेट एंड मोमेंटम, मेयार हरकत और वजन। मेयार हरकत एक होता है, हरकत उसको मोशन बोलते हैं, एक होता है मेयार हरकत को मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम में और मोमेंट में फर्क होता है, तो एक होता है मोमेंटम मेयार हरकत, दूसरे वेट। तो मोमेंटम और मेयार हरकत पेश नजर होती है। अब जैसे जमीन है,
107,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से अपने मरकज के ऊपर घूम रही है, बराबर है? अच्छा, इसका वजन कितना है? मेरा ख्याल है 606 × 10⁻³। यह 606 × 10⁻³, ये इतना वजन है उसका। अब बताइए, अगर इसके ऊपर कोई शहाबे साकिब गिर जाए तो इसका हाल वही होगा कि एक ही पटरी के ऊपर मुखालिफ समतों से आने वाली दो ट्रेनें पूरी कुव्वत के साथ टकरा जाएं। अंदाजा है कि इधर से एक तेज रफ्तार ट्रेन आ रही है उसी पटरी के ऊपर, और मुखालिफ समत से एक तेज रफ्तार ट्रेन आ रही है, और दोनों एक साथ टकरा जाए तो इन दोनों ट्रेनों का अंजाम क्या होने वाला है? मोमेंटम भी है, वेट भी है। अब टकराव की शिद्दत का इन्हिसार मोमेंटम और वेट के ऊपर है, बताइए दोनों गाड़ियों का क्या हश्र होने वाला है? ऐसे ही हम जमीन का निजाम दरहम बरहम करने वाले एक दिन। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लत साज़िशुन अदीम, यही कुरान था जो लोगों की दिलों की दुनिया में हलचल मचा देता था। सहाबे करम परेशान हो जाते थे और फिर अपना जान माल तन मन धन सब अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते। ये किताब जो नाजिल की गई, सारा क्रेडिट इसी किताब को जाता है जो कुछ कुर्बानियां दी सहाबे करम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम ने। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया जा रहा है, बड़ा अजीब गरीब। देखिए, यानी शिर्क पैदा कैसे होता है, शिर्क जिसको अल्लाह तबारक तआला नहीं बख्शेगा पैदा कहां से होता है? देखिए, वलकद आतैना इब्राहिम रुश्दहु मिन क़ब्लु वकुन्ना बिही आलिमीन इज़ क़ाल लियबीही वक़ौमी मा हाज़िहि तमासीलु लती अन्तुम ला आकिफून क़ालु वजदना आबाना ला आबिदीन क़ाल लक़द कुन्तुम अन्तुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन। ये सवाल, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजरे, देखा कि उनका बाप आज़र और आपकी कौम कुछ बुतों के पास एतिकाफ किए हुए, अंतुम लाकिफून, वहां जम करके बैठे हुए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या है ये? मा हादी तमासीलु लती अन्तुम लाकिफून, ये मूर्तियां क्या है तुम इनके पास एतिकाफ करके बैठे हो, डटे बैठे हो? अल्लाह की इबादत के अलावा इनकी इबादत का हुक्म किसने दिया है? कहने लगे, एतराज मत करो। कालू वजदरा आबाना लहा आबिदीन, हमने अपने बड़ों को ऐसा करते हुए देखा, अपने बाप दादा को। इसका मतलब शिर्क पर दलील क्या ला रहे हैं? तकलीफ की पूछ रहे हैं, ये शिर्क तुम क्यों कर रहे हो? दलील, हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते हुए देखा है। तो बाप दादा ने किया तो शिर्क जायज हो गया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बात कही, ये बताओ तुम्हारे बाप दादा गुमराही में रहे हो तो? जैसे कहते हैं कि ये बात क्यों नहीं माफ मानते हैं? बोले, हमारे इमाम ने ऐसी बात नहीं कही है। बोले, इमाम साहब ने नहीं कही है? क्यों? अगर इमाम साहब ना कहे तो आप नहीं मानेंगे? बोले, नहीं, इतने बड़े इमाम भला गलती कैसे कर सकते हैं? बोले, इमाम गलती कर सकता है, हो सकता है इमाम से गलती हो गई हो, इमाम से गलती हो गई हो। जैसे बाप दादा से गलती हो सकती है, बाप दादा की गलतियों को दलील नहीं बनाया जा सकता किसी बात के ऊपर। यहां देखिए, शिर्क के ऊपर दलील ला रहे हैं बाप दादा की तकलीफ की। कालू वजदना आबाना लहा आबिदीन, हमने अपने बाप दादा को ऐसा करते हुए देखा है, वो ऐसे शिर्क करते थे, लिहाजा हम बिला दलील शिर्क करेंगे, इसलिए कि हमने अपने बाप दादा को ऐसे ही करते थे। तकलीफ के ऊपर भी कोई दलील नहीं है, जैसे शिर्क के ऊपर कोई दलील नहीं है, तकलीफ के ऊपर भी कोई दलील नहीं। डंडे के दौर से लोग मन मारे, ठीक है बताता हूं इनको। लोग ईद के लिए चले गए, उनकी एक मखसूस ईद होती थी, ये घुसे बुतखाने में और तमाम जितने बुत थे सबको तोड़ फोड़ करके इन्होंने पूरे माबद के अंदर बिखरा दिया, और उसके बाद वो जो बड़ा गुरु घंटाल था उसके गले में कुल्हाड़ा लटका दिया और निकल गए। जब वो ईद से वापस लौटे, देखा ये क्या है, सारे माबूद टूटे फूटे पड़े हैं। ऐसे कैसे माबूद जो टूट फूट जाए, ये कौन से माबूद हैं जो टूट फूट जाते हैं? बोले, किसने किया होगा? कालू मन फाला हादा बियाली है तीना इन्हो लमिन ज़ालिमीन, जिसने हमारे माबूदों के साथ ऐसा किया बहुत बड़ा जालिम है वो, तुम ही लोग बताओ कौन हो सकता है? तो कुछ लोग कहने लगे, कालू समेना फतेह यज़कुरहुम युकालु लहु इब्राहिम, हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते हुए सुना था बुतों का। बोले, क्या नाम है? इब्राहिम। बोलाओ, कालू फातु भी आला यूनिन्नास लालो में शदून, लाओ लोगों के सामने लाओ ताकि ये लोग गवाही दें।
अब जब हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम आए तो लोगों ने उनसे पूछा, अंत फाल तहादा पिया लिहतिना या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम तूने हमारे माबूदों के साथ ये किया है? काला बल फाल हो कभी हूं, उन्होंने कहा कि उनके बड़े ने किया है, उनके बड़े ने किया है। अब ये बड़ा जो बोले इसमें दो माने, मैं बुतों से बड़ा हूं, जाहिर है कि इंसान पत्थर से बड़ा होता है, ज्यादा उनके बड़े ने किया है एक मतलब तो ये, और दूसरा मतलब ये कि ये जो बड़ा है जिसके गले में कुल्हाड़ा लटक रहा है इसने ये किया होगा, लिहाजा अगर तुम्हें तहकीक चाहिए तो इन्हीं से पूछ लो ना किसने किया है, इन्हीं से पूछ लीजिए ना। तो सारे के सारे खामोश हो गए, कहा कि उफ्फिल लकुम वलिमा ताबुदून, अरे तुफ है तुम्हारे ऊपर और जिनकी तुम पूजा करते हो, तुमको भी मालूम है किसने किया, और ये बोल नहीं सकते कि हमारे साथ किसने किया है, तुफ है तुम्हारे ऊपर भी और इनके ऊपर भी जिनकी तुम पूजा करते हो, उफ्फिल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिनकी तुम इबादत करते हो उनके ऊपर भी तुफ है और तुम्हारे ऊपर भी तुफ है। अच्छा, जब किसी के पास दलील नहीं रहती तो जानते हैं, मैंने कहीं एक कोटेशन पढ़ा था, मॉडर्न दौर में गालियां, फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन देता है कि जदीद दौर में गालियां किसको बोलते हैं, मॉडर्न दौर में गालियां, जवाब देता है तमाम दलाइल के खात्मे का ऐलान, नहीं समझे भाई, एक जुमला लिखता है मॉडर्न दौर में गालियां साइन ऑफ इंट्रोगेशन, कहते तमाम दलाइल के खात्मे का ऐलान, यानी आदमी बहस में अगर गालियों पर उतर आए और मारपीट पर उतर आए इसका मतलब यह है कि यह गालियां देने वाला और मारपीट करने वाला इसके बाद दलील नहीं। इन्होंने क्या कहा, कालू, कहा कि एक बड़ी आग जलाओ और हर रिकू इसको जला दो, वंसुरु आलिहतकुम, और अपने माबूदों की मदद करो। अब देखिए जब लाजवाब हो गए और उनके पास दलील नहीं रह गई तो मरने मारने पर आमादा हो गए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। मॉडर्न दौर में गालियां, तमाम दलाइल के खात्मे का ऐलान, आदमी मरने मारने पर आमादा हो जाए इसका मतलब उसके पास दलील नहीं है, आदमी गालियों पर उतर आए तो इसका मतलब उसके पास दलील मौजूद नहीं है, और जिसके पास दलील होती है वो गालियों पे नहीं उतरता, मारपीट पे नहीं उतरता, मारपीट पे और गालम गलौज पे वही उतरते हैं जिनके पास दलाइल नाम की कोई चीज नहीं होती, दलाइल से खाली होते हैं, जिनके पास दलीलें होती हैं वो गालियां नहीं देते, जिनके पास दलीलें होती हैं मारपीट नहीं करते, ये काम वही करते हैं जिनके पास दलाइल नहीं होते। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वाकया बयान किया, जो बच्चे लॉ पढ़ते हैं लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत प्यारा नुक्ता बयान किया गया है कि दाऊद व दाऊद उसरम इल यहकुमानी फिल हर्थ इज नफशत फीही गनमुल कौम व कुन्ना लिहुक्मिन शाहिदीन फफहमनाहा सुलेमान। हुआ ये कि दो आदमी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आए और पूछा कि आपके वालिद कहाँ हैं, बोले वहां हैं। उनके पास पहुंचे, एक आदमी ने कहा कि हजरत ये आदमी बकरियों वाला है, इसकी बकरियां मेरे खड़ी खेती के अंदर दाखिल हुई और मेरी खड़ी फसल तबाह कर दी है, अब फैसला फरमाइए। हजरत दाऊद अली सलाम ने कहा कि इसमें फैसला क्या करना है, मसला बिल्कुल साफ है, बकरियां तू ले ले, बकरियां तू ले ले, इसलिए कि जिन बकरियों ने तेरी खड़ी फसल तबाह की है इन बकरियों को तू अपने पास रख ले। बकरियां लेकर के ये फैसला हो गया, जब नीचे उतरने लगा तो वो जो बकरियों वाला था वो बहुत परेशान था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या फैसला हुआ, अब्बा ने क्या फैसला किया, बोले क्या फैसला किया, उन्होंने तो यही कहा कि मैं अपनी बकरियां खेती वाले को दे दूं, कहा कि फैसला गलत है, फैसला गलत है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास जब यह खबर पहुंची तो हजरत सुलेमान को बुलाया और कहा कि मेरे बच्चे फैसला मेरा गलत है, बोले हाँ अब्बा फैसला आपका गलत है, अरे खेती वाले की तो पांच उंगलियां घी में हो गई, खेती भी उसके पास है बकरियां भी उसने ले ली, तो इसको इंसाफ थोड़ी कहते। कहा कि तू किस तरह इंसाफ करता अगर तुझे करना होता, तो उन्होंने कहा कि मैं इस तरह इंसाफ करता कि खेती दे देता बकरियों वाले को कि उसमें वो गुड़ाई करे जुताई करे पानी दे, और बकरियां दे देता खेती वाले को, उससे वो दूध निकालता अपने बाल बच्चों को पालता,
और जब बकरियों वाले के पास खेती दे दी गई, वो जब फसल को उतनी बड़ी कर देता जितनी बड़ी फसल थी और बकरियां खेती में आई थी, तो खेती खेती वाली को दे दी जाए और बकरियां बकरियों वाली। हजरत दाऊद अलैहि सलाम ने कहा बिल्कुल सही फैसला है, और इसी तरीके से फैसला किया गया। इससे पता यह चलता है कि अगर बड़ा कोई फैसला करे तो फैसले में गलती हो सकती है। जरूरी नहीं कि बड़ा फैसला कर दे तो छोटा उसके ऊपर एतराज ना कर सके। बोले इतने बड़े आलिम है, इतने बड़े आलिम है, क्या छोटा मुंह बड़ी बात करता है, तू एतराज करेगा इतने बड़े इमाम के ऊपर? अरे भाई, दाऊद अली सलाम के फैसले के ऊपर अगर सुलेमान छोटे होकर के एतराज कर सकते हैं और साबित कर सकते हैं कि फैसला गलत है, और हजरत दाऊद अपने फैसले से रुजू कर सकते हैं, तो एक इमाम के किसी फैसले के ऊपर अगर बदलाई लिए साबित कर दिया जाए कि गलत है, तो मानने वालों को चाहिए कि उस बात को तस्लीम कर ले और यह जान लें कि इमाम का या पीर का यह फैसला गलत है। नबी से फैसले में गलती हो सकती है, चेजाए कि इमाम, चेजाए कि पीर, चेजाए कि फकीर, चेजाए कि बाबा, इनसे फैसले में गलती हो सकती है। पता ये चला कि मुफ्ती से अगर फतवे में गलती हो जाए तो मुफ्ती को चाहिए कि वो अपने फैसले से रुजू करे, उस पर अड़ा न रहे, जैसा कि इस वाकये से मुस्तफाद होता है। उसके बाद ये बताया गया कि हजरते यूनुस अलैहिस्सलाम को शहर नैनवा की तरफ भेजा गया था, उन्होंने अपनी कौम को समझाया लेकिन कौम ने मान करके नहीं दिया, गुस्से में आकर के अजाब की धमकी दी उन्होंने और शहर से निकल गए। कहा कि मैं शहर से निकलूंगा, नबी का शहर से निकलना दर हकीकत बस्ती के ऊपर अजाब आने की दलील है, मैं अब निकल रहा हूं। जैसे ये बस्ती से निकले, बस्ती वाले सबके सब जमा हुए और उन्होंने तौबा तायब की, अजाब उनके सरों के ऊपर आ गया था, तौबा करने की वजह से अजाब हट गया, और ये नबी की बात होती है कि ये जब किसी बस्ती में भेजा जाता है जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो तब तक उसे नहीं निकलना चाहिए, ये बगैर अल्लाह के हुक्म के निकल पड़े। बस्ती वाले तो बच गए तौबा करने की वजह से, ये बगैर अल्लाह के हुक्म से बस्ती से निकले थे, एक दरिया पार करना था, कश्ती में बैठे, कश्ती डवाडोल होने लगी, उन्होंने सामान कुछ उतारा कि शायद सामान की वजह से कश्ती डवाडोल हो रही है, सामान को दरिया में फेंकना शुरू किया लेकिन कश्ती वैसे ही डवाडोल होती रही, अब डूबी की तब डूबी। वो समझ गए कि इस कश्ती में कोई गुनहगार बैठा हुआ है, कुरानदाजी की कुरानी के नाम निकला। कहा कि तू कौन है भाई, तेरी वजह से सारे लोग डूबने वाले हैं, तू कौन है? कहा कि अरे भाई, मैं वो हूं जो अपने आका से बगैर उसकी इजाजत के भागा हुआ हूं, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं। उनको उठा करके पानी में डाल दिया गया और कश्ती भंवर से निकल गई और सरे साहिल पहुंच गई। अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया कि जैसे इनको दरिया में डाला गया, एक बड़ी मछली आई और उसने हजरत यूनुस अलैहि सलाम को निगल लिया। अल्लाह ने फरमाया अगर ये मछली के पेट में तस्बीह न पढ़ता, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत साद इब्न अबी वक्कास की रिवायत है कि नबी ने इरशाद फरमाया मेरे भाई मछली वाले की दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, आदमी किसी भी मुश्किल में इसको पढ़ ले, इसके वसीले से कोई भी बात अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश करे, कोई चीज मांगे, अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल कर लेगा। फइन्नहु लम यदउ बिहा मुस्लिमुन फी शैइन कत्तु इल्ला इस्तजाब अल्लाह लहु, किसी भी चीज के बारे में अगर इस दुआ के वसीले से मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को जरूर कबूल कर लेगा। अब ये भागे, मछली के पेट में पहुंच गया, अल्लाह फरमाता अगर ये तस्बीह न बयान करते तो ये कयामत तक मछली के पेट में रहते, ललबी तफी बतनी इला यौम युबअथून, कयामत तक ये मछली के पेट में जिंदा रहते। लेकिन उन्होंने ये दुआ पढ़ी, फस्तजबना लहू, मछली के पेट में वो दुआ उन्होंने पढ़ी, हमने उस दुआ को कबूल फरमाया और हमने उनको उस मुसीबत से नजात दी। वकदालिक नुंजिल मोमिनीन, इसी तरह हम मोमिनों को नजात देते हैं या नजात देंगे। पता ये चला कि ये मामला सिर्फ यूनुस अलैहि सलाम के साथ खास नहीं है, बल्कि ये दुआ जो कोई भी मुसीबत के अंदर पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको मुसीबत से नजात दे देगा। वकदालिक नुंजिल मोमिनीन। उसके बाद याजूज माजूज का वाकया बयान किया गया कि याजूज माजूज, उसकी तफसील कल मैं बता चुका हूं 16वें पारे में,
इसमें इतना बयान किया गया है, हत्ता इदा फुतिहत याजूज व माजूज वहुम मिन कुल्ली हदब यंसुलून, याजूज माजूज को खोल दिया जाएगा। इसका मतलब जैसे कहीं बंद है वो, और अचानक जिस तरह मशकेजे को बंद रखा जाता है, खोल दिया जाए तो मशकेजे का पानी पूरी तेजी से बाहर निकलता है, ऐसे ही ये हर बुलंद जगह से इस तरीके से निकलेंगे जैसे मशकेजे से पानी निकलता हो। ये कब निकलेंगे? हजरत ईसा अलैहि सलाम की मौजूदगी में और दज्जाल की मौत के बाद। याद रखा जाए, दज्जाल की मौत के बाद, इसलिए कि दज्जाल को मारने के लिए हजरत ईसा अलैहि सलाम आएंगे, वो दज्जाल को मार देंगे। दज्जाल की मौत के बाद हजरत ईसा अलैहि सलाम की मौजूदगी में ये निकलेंगे और इतनी तबाही मचाएंगे कि अहले ईमान और खुद हजरत ईसा अलैहि सलाम इनसे तंग आ जाएंगे और लेकर उनको चूदी पहाड़ के ऊपर चले जाएंगे और दुआ करेंगे। ये लोग एक वबा में मुब्तला होंगे, एक गिल्टी निकलेगी, सारे के सारे लोग मर जाएंगे, लेकिन इनकी लाशों से जो सड़ाद उठेगी, इस सड़ाद से अहले ईमान परेशान होंगे। फिर हजरत ईसा अलैहि सलाम दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला बड़े बड़े परिंदों को भेजेगा, इनकी सड़ी हुई लाशों को उठा करके समंदर में ले जाकर फेंक देंगे। तो हत्ता इदा फुतिहत याजूज व माजूज वहुम मिन कुल्ली हदब यंसिलून, ये फरमाया गया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हज के अंदर एक बात फरमाई कि कुछ लोग ऐसे हैं जो किनारे पर रहकर अल्लाह की इबादत करते हैं, मिनन नास मन याबुदुल्लाह अला हर्फ, हर्फ ए तर्फ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं किनारे पर रह करके, जैसे नमाज में अगली सब में रहेंगे, दाढ़ियां बहुत लंबी होंगी, लिबास बिल्कुल शरई होगा, लेकिन आप उनके घर का माहौल देखिए, उनकी मईशत देखिए, उनकी तिजारत देखिए, उनकी सियासत देखिए, सारी की सारी चीजें दूसरों से ली हुई, यानी चंद चीजें उन्होंने इस्लाम की ले ली हैं और बकिया चीजें दूसरों की उनके पास हैं। तो दर हकीकत ऐसा आदमी अल्लाह की इबादत कर रहा है किनारे पर रह करके, कुछ चीजें ले ली और उसके बाद बकिया चीजें उन्होंने दूसरों से ले ली, कानून, तिजारत, मईशत, सियासत, सारी चीजें, आदाब जिंदगी सब उन्होंने दूसरों से ले ली, चंद चीजें उन्होंने इस्लाम से लिए, आधा तीतर आधा बटेर। अल्लाह तबारक ने फरमाया ये वो लोग हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं किनारे पर रह करके। ये बहुत सारे मुसलमान जो किनारे पर रह करके अल्लाह की इबादत करते हैं। उसके बाद एक बड़ी प्यारी बात फरमाई जा रही है, पहले बात पढ़ लेता हूं, यदउ मिन दुनिल्लाहि मा ला यज़ुरुहु व मा ला यनफउ ज़ालिका हुवा ज़लालुल बईद, यदउ लमन ज़रुहु अक़रबु मिन नफ़इ लबिसल मौला व लबिसल अशीर। फरमाया गया कि अल्लाह की इबादत को छोड़ करके, अल्लाह को छोड़ करके दूसरे की इबादत करता है आदमी। देखो कितनी प्यारी बात कही गई है। तो अब हकीकी माबूद कौन? अल्लाह। अब अल्लाह को उसने छोड़ दिया तो नुकसान नकद। ये देखिए भाई, इबादत के लायक अल्लाह, अब अल्लाह की इबादत को उसने छोड़ दिया तो नुकसान नकद। अब अल्लाह को छोड़ करके जिसकी पूजा कर रहा है पता नहीं उसके काम आएंगे कि नहीं आएंगे, जिनको उसने सहारा मान लिया है पता नहीं है उसको सहारा देंगे कि नहीं देंगे, नफा उधार, यानी मुशरिक इंतहाई बेवकूफ होता है, नुकसान नकद लेता है और नफा उधार लेता है। ऐसा कोई बेवकूफ दुनिया में होगा कि जो नुकसान नकद ले ले और नफा उधार में डाल दे? यही कहा गया, यदउ लमन ज़रहु अक़रबु मिन नफ़ई लबिसल मौला व लबिसल अशीर। किस तरीके का धंधा है ये कि आदमी नुकसान नकद ले रहा है और नफा उधार कर दे रहा है। हकीकी माबूद को छोड़ दिया उसने, राबता कट गया, अब जिन झूठे सहारों को उसने अपना माबूद मान रखा है ये उसको सहारा देंगे कि नहीं देंगे, ये उधार बात है। तो नुकसान नकद और नफा उधार, गोया मुशरिक इंतहाई बेकार किस्म का धंधा करने वाला है। जो नुकसान नकद ले नफा उधार ले, ऐसा बेवकूफ ताजिर दुनिया में कौन हो सकता है? मुशरिक इसी बेवकूफ ताजिर की मिसाल रखता है, उसकी मिसाल यही है। उसके बाद फरमाया गया, लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वला कि यनालु तक्वा मिनकुम। तुम कुर्बानी अल्लाह की राह में करते हो, अब ईद के बाद बकरीद आने वाली है, आप अल्लाह की राह में कुर्बानी करेंगे। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के पास कुर्बानियों का खून और कुर्बानियों का गोश्त नहीं पहुंचता। फिर क्या पहुंचता है? खून तो जमीन ने पी लिया और गोश्त पेट में से लेकर के खेत में पहुंच गया, अल्लाह को पहुंचा क्या? हड्डियां, हड्डियों की खाद बन गई, वो भी खेत में आने वाली है, चमड़े वो आपके पैर में आ गए जूते बन करके, फिर अल्लाह के पास पहुंचा क्या? लयन अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, अल्लाह को कुर्बानियों का गोश्त, कुर्बानियों का खून नहीं पहुंचता। फिर अल्लाह के पास पहुंचाने वाली चीज क्या है?
भला किया नालू तकवा मिनकुम, वो जज्बे दिल तकवा असली चीज तकवा है। लिहाजा आदमी कुर्बानी करे तो दिखावे के लिए नहीं, नुमाइश के लिए नहीं, नमूद के लिए नहीं, बल्कि इखलास, इखलास के साथ करे बगैर रिया और नमूद के। ये चीज, ये इखलास, ये तकवा अल्लाह को पहुंचता है, बकिया कुर्बानी का गोश्त और खून अल्लाह को नहीं पहुंचता। कुर्बानी के बारे में एक बात जान लीजिए कि अभी बकरा तड़पता रहता है और लोग गोश्त निकालते रहते हैं, वो जायज नहीं हो। जब तक मर ना जाए, जब तक रूह निकाल ना दी जाए, हदीस पाक मौजूद है, मा कुतिया मिनल बहीमती वही हय्यतुन फहुवा मय्यित। अगर जिंदा जानवर से कोई उज्व निकाल लिया जाए, अभी वो जिंदा है, तो उसका खाना जायज नहीं है। पहले क्या करते थे लोग, वो जो भेड़े होती थी जिनके वो कोहान होते, कोहान टाइप ऐसा होता था, चर्बी होती थी, तो चर्बी काट करके खा लिया करते थे, जानवर जिंदा रहता था। मना किया गया कि जिंदा जानवर का गोश्त खाना हराम है जब तक कि उसकी रूह ना निकल जाए। यहां जानवर दबा करने के बाद तड़पता रहता है, गोश्त निकाल लेते हैं, जो जब तक रूह ना निकल जाए तब तक गोश्त ना निकाला जाए। जहां तक मामला है कुर्बानी के गोश्त के तीन हिस्से करने का, कोई सही रिवायत इस सिलसिले में मौजूद नहीं है कि जरूरी हो। आदमी चाहे तो तीन हिस्से कर सकता है, कुछ अपने लिए रख सकता है, कुछ दोस्तों के लिए, कुछ गुरबा के लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं, जरूरी होने पर कोई नस मौजूद नहीं है। उसके बाद ये फरमाया गया कि तलवार उठाने की इजाजत, जहाद की इजाजत कब दी जा सकती है, दो शर्तों पर, एक तो एलाए कलिमतिल्लाह के लिए, दूसरे मजलूमियत के खात्मे के लिए। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू वा इन्नल्लाहा अला नसरिहिम लक़दीर। तलवार उठाने की इजाजत उस वक्त दी गई है जब कोई आदमी इस्लाम के ऊपर अपने आप को बरकरार ना रख सके, उसके ऊपर जबर किया जाए तो इजाजत है, और दूसरे मजलूमों की मदद करने के लिए। बकिया और किसी मामले में तलवार उठाने की इजाजत नहीं। बादशाहों ने तो अपनी सल्तनतें उसी करने के लिए न जाने किन किन लोगों को कत्ल किया, वो हमारे लिए दलील नहीं है, उन्होंने जो किया वो उनके साथ है। और दर हकीकत अक्सर बादशाह शाहान आलम सब दुनिया परस्त थे इल्ला माशाल्लाह, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिदातें फैलाई, उन्होंने एक ऐसा मजहब ईजाद किया जिसमें सारे लोग रह करके अमन इत्मीनान की जिंदगी बसर कर लें। उन्होंने इस्लाम को फैलाने में कोई संजीदगी से हिस्सा नहीं लिया, ना उन्होंने कोई काम किया। तो एलाए कलिमतिल्लाह के लिए और इस्लाम पर बरकरार रखने के लिए, बकिया तलवार उठाने की इजाजत नहीं है। इस्लाम पीस, अमन और शांति की दावत देता है। उसके बाद फरमाया गया कि इस्लामी हुकूमत किसको बोलते हैं। अब एक आईना दे दिया गया, उस आईने में देख लो, अल्लज़ीना मक्कनाहुम फिल अर्ज़ अकामुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अमरु बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर व लिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। ये चार बातें जिस हुकूमत के अंदर पाई जाए इस्लामी हुकूमत, क्या? नमाज कायम करें, अगर हम उनको जमीन में इख्तदार दे दें, तमक्कुन फिल अर्ज़ दे दें, तो वो नमाज को कायम करें, ज़कात दें, भलाई का हुक्म दें, बुराई से रोकें। बस ये चारों बातें अगर आ जाए इस्लामी हुकूमत जी, ये चारों बातें अगर आ जाए तो नमाज आजादी से आदमी पढ़ ले, जकात दे ले, भलाइयों का हुक्म दिया जाता रहे, बुराइयों से रोका जाता है, ये चार सिफतें जिसके अंदर हूं वही इस्लामी हुकूमत। अब इस आईने में देख लो, दुनिया के अंदर जो हमारे 55 या 52 ममालिक हैं, देखो कौन से, कौन कौन से ममालिक इस आयत के आईने में आते। उसके बाद एक मिसाल दी जा रही है शिर्क की तरदीद पर, बहुत ही प्यारी मिसाल है, और अल्लाह ताला ने यह मिसाल देने के बाद कहा सुनो। अल्लाह ने पूरे कुरान में बहुत सारी मिसालें बयान की, लेकिन किसी मिसाल के बारे में नहीं कहा सुनो, यही वाहिद मिसाल है जिसके बारे में कहा सुनो। मिसालें बहुत दी हैं, लेकिन इस मिसाल के बारे में कहा सुनो, या अय्युह अन्नासु ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह। ऐ इंसानों, एक मिसाल बयान की जा रही है, उसको गौर से सुनो। इस्तेमा कहते हैं सुनने को नहीं, उसके लिए समय यस्मा आता है सुनने के बारे में, इस्तेमा आता है गौर से सुनने के लिए। जैसे कुरान में कहा गया वहीदा कुरियल कुरान फर्स्ट समय, बोले कुरान पढ़ाते तो गौर से सुनो, एक होता सुनना एक होता गौर से सुनना, तो इस्तेमा कहते गौर से सुनने को। तो ये मिसाल बयान की जा रही है, इसको गौर से सुनो, यानी दिल की गहराइयों में उतारो और इस पर अमल करो। क्या कायनात के सारे लोग मिलकर के एक मक्खी नहीं बना सकते, और ये जिनकी पूजा करते हैं ना अल्लाह को छोड़ करके, ये एक मक्खी नहीं बना सकते अगर सारे के सारे लोग जमा हो जाएं। और ये बात मुहक्कक हो चुकी है, मुसल्लम है कि अब तक बेजान चीज से जानदार पैदा करने की साइंसदानों की सारी कोशिशें रायगां हो चुकी हैं। बेजान मादे से अब तक कोई साइंसदान जानदार नहीं पैदा कर सका है। इयान विलमिट, ये एक स्कॉटिश है, स्कॉटिश साइंटिस्ट है,
स्कॉटलैंड का रहने वाला साइंटिस्ट इयान विलमिट, इसने एक भेड़ के खलिए को लेकर के, उसके सेल को लेकर के उसने डॉली नाम की एक भेड़ तैयार की, तो दुनिया में तहलका मच गया। देखो इंसान भी खालिक हो गया। देखो इंसान ने बगैर माँ बाप के जोड़े के एक भेड़ बना दी, इंसान खालिक हो गया और लोगों का ईमान मुतज़लज़िल होने लगा। काश लोग गौर करते कि यहां बेजान चीज से जानदार नहीं बनाई गई है, बल्कि अल्लाह ने जिस चीज को जानदार बनाया था उसको ऐसी जगह रख दिया गया जहां रहम का माहौल हो, जैसे माँ के रहम का जो माहौल हो वही माहौल दे दिया गया, बच्चा पैदा हो गया। लेकिन वो जिंदा सेल था, लाइव सेल था वो। खालिकियत तो कहते हैं बेजान चीज से जानदार को पैदा करना, ये करके इंसान बताए ला यमलिकून मौतम वला हयातम वला नुशूरा, न ये मौत के मालिक है न जिंदगी के मालिक है, जिंदगी और मौत का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक तआला। तो बेशक वो लोग जो अल्लाह को छोड़ करके दूसरों को पुकारते हैं, ये एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते अगर से सब जमा हो जाए, और ये तो छोड़ो अगर मक्खी इनके चढ़ावों में से कुछ लेकर के चली जाए तो उसको छीन नहीं सकते। पहले क्या करते थे मुशरिकीन कदीम, ये बुतों के ऊपर जाफरान का और शहद का लेप लगाते थे। शहद वैसे भी मुश्किल से मिलता है, जाफरान वैसे भी बहुत कीमती है, तो ये बुतों के ऊपर जाफरान का लेप करते थे और बुतों के ऊपर शहद का लेप करते थे। और मुशरिकीन कदीम तो ये करते थे, मुशरिकीन जदीद क्या करते हैं, चादर चढ़ाते, वो जाफरान का लेप लगाते थे और शहद का लेप करते थे और ये चादर चढ़ाते, और कुछ लोग नारियल वगैरह उनको पेश करते हैं। तरीका वही है, कहा गया कि अगर इनके चढ़ावे से कोई मक्खी थोड़ी सी चीज लेकर उड़ जाए तो ये वापस नहीं कर सकते। मैं गौर करता रहा कि कैसे भाई हो सकता है, एक मक्खी आई, वहां एक जलेबी पड़ी हुई है, बताशा है, बताशे के अंदर से थोड़ा सा उसने मुंह में लिया और जैसे ही भागना चाहा मैंने उसको पकड़ लिया और उसको एक शीशी में बंद कर दिया। कहा जाती है उगल जो खाया है, उगल भागने नहीं दिया मैंने, पकड़ लिया उस मक्खी को। और कुरान हकीम कहता है अगर ये छीन ले तो ये लौटा नहीं सकते, क्यों नहीं लौटाया जा सकता भाई, पकड़ करके मक्खी को इसमें बंद कर, तो भागने से पहले निकाल जो खाया है। इसमें जो केमिस्ट्री जिन बच्चों ने पढ़ा है वो जान लें कि ये जुबाब जो है जाबा या जूबो से है, पिघलने या पिघलाने के माने में, इसी वजह से उसको जुबाब कहा जाता है। मक्खी क्या करती है, मक्खी आती है सबसे पहले जो उसका सूंड होता है, सूंड से बताशे के अंदर एक लोआब छोड़ती है, और उसके बाद लोआब छोड़ने के बाद बताशे के जो आइटम हैं टूटते हैं, लोआब बनता है, ये लोआब डालती है बताशे में, बताशे के आइटम टूट जाते हैं, उसके बाद उसको सुड़क लेती है, इसको दोबारा बताशों में तब्दील नहीं किया जा सकता जी। ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया वही सुलभुहु लायस्तनकिज़ू मिनहु, अगर मक्खी लेकर के उड़ जाए छीन करके तो फिर उसको लौटा नहीं सकते। ज़ौफ़ तालिबुल मतलूब, तालिब भी कमजोर है और मतलूब भी कमजोर है, मांगने वाला भी कमजोर जिससे मांगा जा रहा है। एक तही दस्त को क्या देता है, उससे मांगो जो जरूरत से सिवा देता है, एक खुद आउट ऑफ पॉकेट हो। एक दफा मैंने कह दिया आउट ऑफ पॉकेट, तो मेरा अंग्रेज दोस्त था हंसने लगा, वे बोले एक होता है कि पॉकेट फटी हुई हो, तू तो बोलता आउट ऑफ पॉकेट, पॉकेट है ये नहीं है। मैं बोला ऐसा कि पॉकेट फटी हुई है, आउट ऑफ पॉकेट नहीं बोलते वहां, बोले फटी हुई है। बोले कि जिस आदमी के पास पॉकेट हो या पॉकेट फटी हुई हो तो एक तही दस्त जिसके पास कुछ है ही नहीं, एक फकीर है दूसरे फकीर को क्या दे सकता है। तो ऐसे ही तालिब भी फकीर है और मतलूब भी फकीर है, एक फकीर एक तही दस्त एक तही दस्त को क्या दे सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तौहीद के ऊपर ये मिसाल भी बहुत ही शानदार बयान फरमाई है, और साबित ये हुआ कि जो खालिक होता है वही इबादत के लायक होता है, जो खालिक ना हो वो इबादत के लायक होता ही नहीं। या अय्युन नासु उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम, ऐ इंसानो दुनिया के तमाम इंसानों तुम अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया है, जो पैदा करता है वही इबादत के लायक होता है, जो पैदा ना कर सके वो काबिल इबादत होता ही नहीं है। इस वजह से यहाँ तख्लीक का हवाला दिया गया, लैन यखलुकू दुबाबा वला मिस्तमूला, कायनात में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने फला चीज खल्क की है, और जब कोई दावा नहीं कर सकता कि मैंने खल्क की है तो कोई भी अल्लाह के अलावा इबादत कला नहीं है। बात भाई लोगों पहनते रहे बनियान लिख कर रहते वर्शिप द क्रिएटर नॉट द क्रिएशन, हाँ क्रिएटर को खालिक को वर्शिप द क्रिएटर नॉट द क्रिएशन, यानी वो क्रिएटर की इबादत करो क्रिएशन की नहीं। तो लोग क्रिएशन की इबादत कर रहे हैं, क्रिएटर की कोई कर ही नहीं रहा है,
खालिक या यो नासुबुदु रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम, तुम अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया। जो खालिक ना हो वो इबादत के लायक नहीं हो सकता। ये था 17वें परे का खुलासा। अल्लाह में नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। वा खुदावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।